आम जनता पर महंगाई की मार बढ़ती ही जा रही है। रोजमर्रा का सामान और खाने वाले तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद अब टमाटर की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है। देश की राजधानी दिल्ली में टमाटर की कीमतों में पिछले एक महीने में 44% का उछाल आया है। आपको बता दें कि गर्मी और कम उत्पादन की वजह से इसकी आपूर्ति प्रभावित हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में टमाटर की कीमत पिछले एक महीने में 44% बढ़कर अब 46 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में टमाटर का दाम 16 मई के बाद से 32 रुपए किलो से बढ़कर 46 रुपए प्रति किलो हो गया है। इसके अलावा अगर मदर डेयरी के स्टोर की बात करें तो यहाँ पर अभी सामान्य टमाटर का भाव 62 रुपए प्रति किलो है। स्थानीय सब्जी विक्रेता टमाटर लगभग 60 रुपए प्रति किलो के भाव पर बेच रहे हैं। व्यापारियों ने कीमतों में वृद्धि की वजह दक्षिण भारत में फसल खराब होना बताया है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत का टमाटर दक्षिण के बाजारों में भेजा जा रहा है, जिससे दिल्ली क्षेत्र में आपूर्ति प्रभावित हुई है। व्यापारियों का कहना है कि 10 से 15 दिन के बाद ही कीमतों में कुछ कमी आने की उम्मीद है। वहीं मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में कीमतें 15 मई के 63 रुपए से बढ़कर 15 जून को 72 रुपए प्रति किलो हो गई हैं, जबकि कोलकाता में टमाटर की कीमतें 82 रुपए प्रति किलो पर लगभग अपरिवर्तित हैं। वहीं चेन्नई में कीमतें 73 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 58 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।